यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल द। सो जो द डेफिनेट आर्टिकल है इसका आज हम रूल्स पढ़ेंगे कि हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। मतलब जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को डिनोट करना होता है तो हम लोग द यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द मैन, द हाउस। नेक्स्ट कॉमन नाउन दैट आर यूनिक, कुछ कॉमन नाउन्स जो कि यूनिक होते हैं जैसे कि द सन, द मून, तो इन सभी में हम लोग द यूज करेंगे। नेक्स्ट रेफर्स टू होल क्लास, जब हम लोग कोई पूरे की पूरे होल क्लास को रेफर करेंगे जैसे कि द डॉग, तो इसमें हर एक तरह का टोटल जितना डॉग्स होता है सभी को रेफर किया जाएगा, सो इसमें हम लोग द यूज करेंगे। नेक्स्ट द मोबाइल फोन्स, जितने तरह का मोबाइल फोन्स आता है तो उसके पूरे क्लास को हम लोग द यूज करेंगे। एडजेक्टिव्स इन कंपैरेटिव डिग्री, जहां पे कंपैरेटिव डिग्री आता है जैसे कि द मूड, द मेडियर, जब दो दो चीजों में कंपैरिजन आता है सो उस कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग द यूज करेंगे। विद सुपरलेटिव्स, जब दो से अधिक के बीच में कंपैरिजन होता है जैसे कि द स्वीटेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, सो इसमें हम लोग द यूज करेंगे। नेक्स्ट रेफर्स टू नेम्स ऑफ, जो कि किसी नेम को रेफर करता है जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें कि आ जाएगा द गिटार। नेक्स्ट रिलीजियस टेक्स्ट या एपिक्स आता है जैसे कि द चार मीनार, तो इन सभी में हम लोग द यूज करेंगे। द अगर फैमिलीज आता है जैसे कि द खान्स, द जैन्स, सो इन सभी में द यूज होता है। नेक्स्ट न्यूज पेपर्स अगर आता है जैसे कि द पियोनियर, द हिंदू, तो ये सभी क्या है, कोई पर्टिकुलर नेम्स है जैसे कि कंट्रीज दैट कंटेन कॉमन नाउन्स, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, जो कंट्रीज और स्टेट जो कि सभी लोगों के लिए यूज होता है, उसमें द यूज किया जा सकता है। जितने भी पर्टिकुलर नाउन्स होते हैं जिसमें कि पर्टिकुलर थिंग या पर्सन को यूज किया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है, उन सभी में द यूज किया जाता है। नेक्स्ट द इसमें भी यूज होता है कंट्रीज तथा प्लूरल नेम्स, कुछ कंट्रीज जिसके प्लूरल नेम्स होते हैं जैसे कि द नेदरलैंड्स, द फिलीपींस, क्योंकि यहाँ एस लगा है सो इस कंट्रीज का जो ये सब नेम्स है ये सब प्लूरल सेंस में आता है, सो इसी के लिए इन सभी में हम लोग द यूज करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स, ठीक है, जैसे कि द टाइटैनिक हो गया, द ताज एक्सप्रेस हो गया, ये सभी कुछ शिप्स और ट्रेन्स के जो पर्टिकुलर नेम्स आते हैं इन सभी में भी हम लोग द यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है रिलीजियस कम्युनिटीज, कुछ कम्युनिटीज जैसे कि द हिंदूज, द हिंदूज पूरे के पूरे कम्युनिटीज को डिनोट किया जा रहा है। द क्रिश्चियंस, जितने भी क्रिश्चियंस कम्युनिटीज होते हैं सभी को बताया जा रहा है, सो इसमें भी द आया है। नेक्स्ट आता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कुछ अवार्ड्स जैसे कि द ऑस्कर, द नोबल प्राइज, नोबल प्राइज जैसे नोबल प्राइज फॉर पीस, बहुत सारे ऐसे प्राइजेस होते हैं, अवार्ड्स है, ऑनर्स है, सो इसमें भी द हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट आता है सिटीज, जैसे कि टाइटल्स, द प्राइम मिनिस्टर, द सीईओ, द प्रिंसिपल, ये टाइटल्स होते हैं, इन सभी में भी हम लोग का दा आता है। नेक्स्ट फेमस इवेंट्स, जैसे कि द ओलंपिक, द वर्ल्ड कप, ये फेमस इवेंट्स आते हैं, इन सभी में भी हम लोग दा लगाते हैं। नेक्स्ट सी, रिवर, ओशन एक्सेट्रा जो आते हैं जैसे कि द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, इन सभी में दा आता है। नेक्स्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट एक्सेट्रा, जैसे कि द गेट फॉरेस्ट हो गया, द थार डेजर्ट हो गया, सो इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी पर्टिकुलर नेम्स आते हैं सभी में हम लोग द लगाए हैं। नाउ नेक्स्ट द इज ऑल्सो यूज, मतलब यहाँ पे भी हम लोग द को यूज कर सकते हैं जैसे कि बिफोर ऑर्डिनल्स एंड वर्ड्स, ठीक है, जैसे कि आता है द लास्ट रो, द प्रीवियस चैप्टर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं Use it in the last row, the previous chapter. So, इस तरह का जो ordinals और words आता है, इन सभी में भी हम लोग the को use कर सकते हैं। Next, adjectives that refer to groups. उन adjectives को जो कि एक group को refer करता है, जैसे कि the poor, उसमें सारे के सारे poor लोग आ जाते हैं। The young, जितने भी young लोग हैं, सभी लोग आ जाते हैं। So, ये groups को जो refer किया जा रहा है, the poor, the young, इसमें भी the use किया जा सकता है। नेक्स्ट पीपल ऑफ पर्टिकुलर नेशन और स्टेट, किसी पर्टिकुलर नेशन या स्टेट के लोग, जैसे कि आ जाते हैं द फ्रेंच, द जापानीज, द फ्रेंच मीन्स जितने भी फ्रांस के लोग होते हैं सभी लोग उसमें आ जाएंगे, सो द फ्रेंच। नेक्स्ट द जापानीज मीन्स जापान के जितने भी लोग होंगे वो सभी जापानीज आ जाएंगे, सो इन सभी में भी द लगाया जा सकता है। विथ डेकेड्स, जैसे कि द 1920s, द 60s, जो डेकेड्स को रेफर किया जाता है। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ सर्विस, जैसे कि द प्रेस, द पुलिस, इन सभी में भी हम लोग द लगा सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं जैसे कि द मीटर, द लीटर, इन सभी में भी द लगाया जाता है। नेक्स्ट नाउन्स शोइंग डायरेक्शन, वो नाउन्स जो कि डायरेक्शन शो करता है, जो कि दिशा बताता है, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट हो गया, इन सभी में द आ जाएगा। नेक्स्ट इन दीज एक्सप्रेशन, जैसे कि ऑन द अदर हैंड, टू स्पीक द ट्रूथ, इन द मॉर्निंग, ये सभी जो फ्रेजेस, जो एक्सप्रेशन आते हैं, इन सभी में भी हम लोग द लगा सकते हैं। सो यहाँ तक हम लोग देखें कि डेफिनेट आर्टिकल जो द होता है उनका यूज खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो
हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पार्ट थ्री में पढ़ेंगे जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, सो वो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।